ओके, डिस्कशन ऑफ मॉक टेस्ट फोर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट फोर के डिस्कशन में, मॉक टेस्ट फोर रिलेटिवली काफी इजी था, मतलब रिलेटिवली क्वेश्चंस काफी वेल नोन क्वेश्चन थे, सारे वेल नोन पैटर्न पे थे, तो उतनी बड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चले सो देखना स्टार्ट कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कार्नो इंजन को लेके और उसमें रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में मैंने बताया सिर्फ एरोस बदल जाती हैं, वो देखने में बिल्कुल इंजन की तरह ही काम करता है। इंजन में क्या होता है, Q1 आता है, W वर्क होता है और Q2 बाहर निकल जाता है। इसमें क्या होता है, Q2 एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं और वो Q1 के फॉर्मेट में एग्जॉस्ट करते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही रहता है, वर्क डन कितना हुआ अपॉन कितना हमने इनपुट हीट लगाया, ठीक है। तो एफिशिएंसी को हमने 1/10 को इक्वल कर दिया 10/Q1 के साथ में, और Q1 की वैल्यू आ गई 100। अब हमें पता है कि Q1 है क्या, वो Q2 प्लस W का समेशन है। तो हमसे क्वेश्चन में Q2 पूछा हुआ है कि जो रिजर्वायर है उससे लोअर टेम्परेचर वाले से कितनी एनर्जी ली है हमने, तो वो हो जाएगा 100-10, मतलब कितनी एनर्जी ली है, 90 एनर्जी ली है, ठीक है। तो वो सिंपल था। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड था, पोटेंशियल हमें दिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। तो जिसने ये पता था जिसे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ dV/dt, उसका काम बन गया, बस पोटेंशियल का ये जो फंक्शन है इसे हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। ये नीचे x को ऊपर -1 लेके गए, सॉल्व करने में क्या करते, -1 बाहर आएगा और एक पावर और कम होगी, मतलब -2 हो जाएगी पावर। सॉल्व किया, x = 4 रख दिया, तो ये की वैल्यू 10/4 आ गई, पॉजिटिव में वैल्यू आ गई, 2 माइनस आ गए थे, तो मतलब किस तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव डायरेक्शन में। जिसने ये माइनस नहीं यूज किया वो फिर गलत हो जाएगा उसको। थर्ड बात करते हैं मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे रिलेटेड था। तो अगर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा एसेंस बात करें कि यार कैसे काम करता है, तो हमें पता है कि Mg नीचे गिराने का ट्राई करता है, और अगर उस ऑयल ड्रॉप पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्जेस है, तो हम क्या करते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो यार जितना ज्यादा Mg बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो मिल्कन्स में ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है कि चार्ज के डिफरेंट रेशियो आ जाएंगे। मिल्कन्स में जैसे जैसे अगर कभी ग्रेविटी का पुल बदल गया तो हमें उसका डिफरेंटली ई यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्यू एक प्रॉपर्टी है जो कि फिक्स रहेगी, Mg के वजह से हमारे सिस्टम में क्या बदल जाएगा, हमारे सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट में यूज करनी है वो बदल जाएगी, ठीक है सर। हाँ पूछे सर, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदलेगी, फील्ड तो मतलब नहीं कांस्टेंट है ना, मतलब जो हम अप्लाई करेंगे वही है ना। नहीं ये वो नहीं है, मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट याद है, एक ग्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं। हाँ सर, तो हम जो हमें चाहिए वो अप्लाई करेंगे ना, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो दोनों जगह पे सेम लगाएंगे फील्ड। नहीं, ये पॉइंट, यही तो पॉइंट है कि इस एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि लेट से तुम्हें एक Mg को बैलेंस करना है, ठीक है। मैंने तुम्हें एक ऑयल ड्रॉप दी, ठीक, तो अगर उस ऑयल ड्रॉप को तुम डिफरेंट ग्रेविटी में लेके चले गए, तो उस ऑयल ड्रॉप का चार्ज थोड़े ना बदल जाएगा यार। सर वो मतलब हम उसको मतलब जहाँ पे चार्ज रहते हैं वहां पे ऑयल ड्रॉप स्प्रे करते हैं, तो हाँ। इलेक्ट्रॉन्स ऑयल ड्रॉप पे स्टिक करते हैं ना, उसकी वजह से है। हाँ, ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रॉन, जो ऑयल ड्रॉप आता है उस पे इलेक्ट्रॉन एक्सरे मिक्सिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टिकनेस बढ़ जाती है, लेकिन हम उसको दो प्लेट्स में पोटेंशियल के थ्रू बैलेंस करते हैं ना। तो तुम्हारा मतलब एक्चुअल थॉट क्या है, क्वेश्चन क्या है इस चीज को लेके, कि अगर हम लेट से एक एक्सपेरिमेंट लेके जा रहे हैं, ठीक है, मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट हमने लेट से किसी दूसरे प्लेनेट में किया हुआ है, ठीक है, तो वो जो ऑयल गिर रहा है वो नीचे गिर रहा है, उसमें स्टिक करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं चेंज होगा ना। ग्रेविटी बढ़ जाने से उसका मास, उसका वेट बढ़ जाने से, जी बढ़ जाने से उसमें इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़े स्टिक कर जाएंगे, आप ये फील करके देखो, आपको ये लग रहा है क्या कि अगर मैंने एक ऑयल ड्रॉप की है और लेट से वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, हाँ ठीक है सर, पर अगर हमें उस हाँ
पूछे? अगर हमें उस मास को बैलेंस करना है तो उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्रिक करने पड़ेंगे ना. ओके, उस ऑयल को अगर हमें बैलेंस करना है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप जो स्टिक करवाते हैं ना वो आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं स्टिक करा पाते हैं. आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्टिक करना बहुत ही कम होता है. ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला है मिलिकन ने, वो इतना कम स्प्रे किया है, उसने इतना ट्राई किया है कि मिनिमम एक या दो इलेक्ट्रॉन ही रह पाए. क्लियर? मतलब इलेक्ट्रॉन इतना कम रखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ाए नहीं जाते हैं, इतना कम रखे गए थे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से. ई ज्यादा रख के बैलेंस किया गया था कि कितना ज्यादा ई यूज कर सकते हैं कि एक ओनली वन इलेक्ट्रॉन से भी बैलेंस हो जाए वो. ठीक है? हाँ सर. मिल्कन एक्सपेरिमेंट में ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं डालती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने स्टिक करेंगे. सीधा थॉट ये है, ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं डालती है कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टिक करेंगे उसमें. नंबर ऑफ स्टिक इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो. हाँ सर. चलिए ओके, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में हमें ये क्लियर है कि इस फिगर में दो पॉइंट्स में हमें जाना है, आई टू एफ जाना है. तो मैंने बताया है कि जो एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी, वो पाथ फंक्शन बिल्कुल नहीं है. आप किसी भी पाथ से जाओ, इंटरनल एनर्जी हमेशा बैलेंस कर सकते हैं. और वो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस यू. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से यू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू. ठीक है? तो वो हो जाएगा 50 माइनस 20, और इधर क्यू माइनस डब्ल्यू किया तो डब्ल्यू टू की वैल्यू आ गई. बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. फिर बात करें, एक सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि एक एक एक्स की हाफ लाइफ वाई के एवरेज लाइफ की जितनी है. ठीक है? तो एवरेज लाइफ का हमें फॉर्मूला पता है, 1.44 इनटू टी हाफ. तो इससे ये पता चलता है कि जो एक्स का टी हाफ है वो वाई के टी हाफ से 1.44 टाइम्स है. मतलब एक्स का हाफ लाइफ वाई से ज्यादा है. तो इसका मतलब ये कि अगर एक्स का हाफ लाइफ ज्यादा है तो एक्स विल टेक मोर टाइम टू बी हाफ देन वाई. मतलब x का t हाफ ज्यादा होने का मतलब ये कि वो ज्यादा देर बाद हाफ होगा. तो इसका मतलब फास्ट कौन डीके हो रहा है, इसका मतलब फास्ट y डीके हो रहा है. तो ये सबको पता होगा, बट मे बी कुछ स्टूडेंट इसमें सिली मिस्टेक कर देते हैं. तो जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है ना तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें. ठीक है? ओके. और इस क्वेश्चन में हमें पता ही है यार कि सिलिकॉन और जर्मेनियम नॉर्मल टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स की तरह काम करते हैं. मतलब उनपे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़े से. ठीक है? उनपे डोपिंग करते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन कार्बन में बहुत ही कम होते हैं, कार्बन में ऑलमोस्ट निल होते हैं. ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन था सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड का. हमें फॉर्मूला पता था कि बी होता है म्यू नॉट एन आई जितना. तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो निकाल लिए, म्यू तो हट जाएगा, N1 by N2, I1 by I2, N1 और N2 की वैल्यू दी है, I1 I2 की वैल्यू दी है, तो वहां से हमने बी निकाल लिया है. ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था. यूजुअली स्टूडेंट इसका आंसर जीरो मार्क कर देते हैं, बट मैंने बताया था कि वो तब होगा जब पूरा सिस्टम एक सेम स्पीड से जाएगा. तो अगर पूरा सिस्टम लेट से राइट तरफ जा रहा होता तो इस ये भी उसी टाइप की बैटरी बनती और ये भी उसी टाइप की बैटरी बनती, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो देते हैं. बट अभी ये दोनों एक दूसरे के तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर राइट हैंड रूल से चेक करो तो थंब आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो परपेंडिकुलर टू द पाम कहाँ है, अपवर्ड. मतलब ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव. सेम चीज इसमें देखे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो ये जो बैटरीज बनेंगी ये दोनों एक दूसरे को सपोर्टिंग बैटरीज है, ना कि कैंसिलेशन बैटरीज. तो इसका मतलब जो नेट EMF आएगा वो 2 times ऑफ VBL आएगा. VBL फॉर्मूला है, EMF का डायरेक्ट फॉर्मूला. ओके, रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पूछा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में. तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर पे डिपेंड करता है. तो अगर काइनेटिक एनर्जी को हाफ किया, मतलब v कितना हो गया होगा, 1/√2. ठीक है? अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला पता है, mv/qb है. ठीक है? सारा कुछ सेम है, सिर्फ क्या बदल रहा है, v बदल रहा है. तो v को अगर हमने 1/√2 किया है तो रेडियस भी हमारी कितनी हो जाएगी, 1/√2. क्लियर? सो 4/√2 कर दिया हमने. क्वेश्चन नंबर 10 देखें. 10 तो काफी अच्छा क्वेश्चन है. ये डबल स्टार सिस्टम जो मैंने बताया था ये उसका क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन में दिया क्या है, उनका एंगुलर जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो अपना एक सर्किल कंप्लीट करने वाले हैं वो सेम टाइम पे करने वाले हैं. बट बिकॉज दोनों का मास डिफरेंट है
तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ शिफ्ट होगा, एम ज्यादा है तो एम की तरफ शिफ्ट होगा, तो एम एक छोटे सर्किल में रिवॉल्व होगा और स्मॉल एम एक बड़े सर्किल में रिवॉल्व होगा, दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, बीच के अबाउट नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अब लगा देते हैं, हमें छोटे वाले एम के लिए पूछा है क्वेश्चन, तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर। अब देखें जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं उनके लिए तो पूरी एल डिस्टेंस यूज करेंगे, लेकिन जो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख रहे हैं उसमें तो हम सिर्फ जो सर्किल वो बना रहा है उसकी रेडियस लिखेंगे, मतलब स्मॉल एम से सेंटर ऑफ मास तक। और अगर हमें वो रेडियस डायरेक्टली निकालनी है स्मॉल एम से सेंटर ऑफ मास तक, तो अपोजिट वाला एम यूज करते हैं, सो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू प्लस एम इंटू एल। ये सबको डायरेक्ट याद होना चाहिए यार, दो पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने का डायरेक्ट तरीका। तो यहाँ से वी इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये आर की वैल्यू इधर ऊपर रख दी मल्टीप्लाई में, सॉल्व कर दिए सिंपली आगे, ठीक है। तो टेन अच्छा क्वेश्चन है, गलती हो जाती है, लोग ये आर सेंटर ऑफ मास सही से नहीं निकालते, बट थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एक अच्छा क्वेश्चन है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, समझे। लेट से इनिशियली कैपेसिटर को चार्ज करके रखा, मतलब इनिशियली कैपेसिटर के पास भी एनर्जी है और करंट भी चेंज हो रही है, सॉरी चार्ज भी चेंज हो रहा है, तो डीक्यू बाई डीटी चार्ज चेंज को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो मतलब करंट भी है सर्किट में, इसका मतलब दोनों के पास थोड़ी थोड़ी एनर्जी है शुरू में। तो मैं बात करूं कि कब चार्ज मैक्सिमम होगा, तो चार्ज कब मैक्सिमम होगा, जब पूरी एनर्जी किसके पास चली जाए, टोटल चार्ज के पास ही चली जाए, और इंडक्टर पे एनर्जी क्या बचे, जीरो। तो जो इन दोनों की इनिशियल एनर्जी थी वो पूरी एनर्जी हमने किसको दे दी, कैपेसिटर को दे दी, कि एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी सबकी वैल्यू रख दी और क्यू को सॉल्व कर दिया, वैल्यू आ गई क्या, 6 कूलम्स, ठीक है। तो ये सिंपली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, अच्छा देखो अभी क्या ये 5/3 और 7/5 ये मोनोएटॉमिक डायटॉमिक पता चल रहा है, तो जब आपको ऑलरेडी पता है मोनोएटॉमिक डायटॉमिक, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं कि गामा मिक्स क्या होता है बेटा, सीपी मिक्स बाय सीवी मिक्स, और दोनों का सीपी मिक्स लिखो और दोनों का सीवी मिक्स लिखो, ठीक है। अपॉन एन वन प्लस एन टू दोनों का कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ एन वन सीपी वन एन पी सी टू पी टू डायरेक्टली लिख सकते हैं। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए तो बेटा पता चल रहा है कि ये मोनोटॉमिक है डायटॉमिक का क्वेश्चन में गिवन है, बट लेट से रैंडम गामा दे दे आपको, तो ये याद रखना है, मैं सबको अभी से बता रहा हूं यार, ध्यान देना, एग्जाम में बहुत प्रोबेबिलिटी होती है इस टाइप के क्वेश्चन के आने की, कि आपको गामा अगर दिया है लेकिन पता नहीं चल रहा कि मोनोटॉमिक है डायटॉमिक है, मतलब सीपी सीवी डायरेक्टली नहीं याद है, तो फिर गामा रख के सीपी और सीवी निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। ओके। तो यार ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक स्फीयर बैलेंस्ड है, जिसमें ये जो मैंने डार्क कलर का बनाया है ये लूप है, एक ये लूप ऐसे रखा है, तो बेटा इस लूप का एरिया वेक्टर तो इधर होगा इनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ दी है, तो बेटा अगर एक लूप का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल बना रहे हैं, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में लूप को एक टॉर्क लगता है जिसका फॉर्मूला एम बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल, तो एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल हो गया। एम क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए, ठीक है, एन तो नंबर ऑफ लूप तो बनी है, आई इंटू ए पाई आर स्क्वायर इंटू बी साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क। अब सोचो ये टॉर्क मिलेगा कैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड करता है कि एरिया वेक्टर को अपने अलोंग लाने का ट्राई करता है, इसका मतलब इस सेटअप पे टॉर्क किस तरीके का लगेगा, ए को अलोंग लाना मतलब ए को हॉरिजॉन्टल करना है, तो ए को हॉरिजॉन्टल करना है मतलब ये इस टाइप का टॉर्क लगाएगा, डन, इस तरीके से लूप को घुमा देगा। बट अगर हम देखें तो एम जी वापस से उसको रिस्टोर करने का ट्राई कर रहा है और इस तरीके का लूप लगा रहा होगा, ठीक। तो एम जी के लिए बात करें तो एम जी एकदम नीचे है और ये डिस्टेंस आर होती है और ये एंगल थीटा होता है, तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी, आर साइन थीटा। तो एम जी का टॉर्क भी निकाल सकते हैं, एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें पता है कि एक टॉर्क दूसरे टॉर्क को बैलेंस करेगा, तो दोनों टॉर्क को हमने बैलेंस कर दिया और बी का हमारा स्ट्रेट आ गया। ओके, एनी स्टूडेंट, किसी ने 13 नंबर सॉल्व किया था क्या, 13 नंबर आ गया था, किया था सर आ गया था, हाँ सर, ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखते हैं, एक बड़ी डिस्क से एक छोटी डिस्क निकाल दी, सेंटर ऑफ मास बताना है, बता दिया हमने, हमने वन को ही क्या ले लिया है, ओरिजिन ले लिया है,
सो एम जो पूरा मास है इनटू जीरो ओरिजिन माइनस रिमूव्ड डिस्क का मास। तो रिमूव्ड डिस्क की बात करें तो वो स्मॉल आर रेडियस की है। तो कैसे निकालते हैं मास, हम बोलते हैं पूरा मास डिवाइडेड बाय पूरा एरिया, सो टोटल एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इनटू हमारी डिस्क का जो एरिया है वो है स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया क्या मास, ये जो है ये पूरा जो क्राइटेरिया लिखा हुआ ये सिर्फ स्मॉल एम है डिस्क का रिमूव मास। अब बात करते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये कहां पर है, ये r / 2 पे है, तो ये r / 2 हमने रख दिया। फिर नीचे होता है m माइनस m, उसी तरीके से हमने m निकाल दिया, फिर पाई आर स्क्वायर को दोनों में कॉमन लेके सॉल्व कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, फाइनल वैल्यू आ गई, एकदम सिंपल वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन 15 में दो ऐसी प्रोजेक्टाइल दी हुई है कि जिनका रेंज सेम है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर दो प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम है और आप आर वन इज इक्वल टू आर टू कंडीशन लगाते हैं तो कंक्लूजन आता है कि थीटा वन और थीटा टू प्रोजेक्शन दोनों का जो समेशन है वो क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो हमने टी वन निकाल लिया कि लेट्स अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अब टी वन इंटू टी टू क्या हो जाएगा, टू यू स्क्वायर और एक टू अलग कर लिया साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो रेंज का फॉर्मूला बन गया, मतलब टू आर जितना आ गया टी वन टी टू, तो डायरेक्टली ही लिख सकते हैं, सॉरी टू आर बाई जी आएगा क्योंकि एक ही जी यूज होगा ना आर के साथ। ठीक है, तो आर के साथ एक ही जी यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं 16 के, कि पॉइंट ये है कि एक बॉल को हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो यार ट्रेन के साथ में बॉल वो पर्सन पकड़े हुए है, तो मतलब लेट्स से ट्रेन का कुछ इनिशियल एक्सीलरेशन है, अगर ट्रेन का कुछ इनिशियल एक्सीलरेशन है तो बॉल का भी वही एक्सीलरेशन होगा और वो पर्सन के जो हैंड्स है उसका भी वही एक्सीलरेशन होगा आगे। अब सोचो बॉल को ड्रॉप कर दिया तो बॉल का एक्सीलरेशन बदलेगा क्या, नहीं, बॉल का एवन ही रहेगा, लेकिन ब्रेक अप्लाई कर रहा है वो, तो इसका मतलब जो नीचे वाला पर्सन है उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो A1 से कम हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाली बॉल के पास हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन ज्यादा है जबकि नीचे वाले पे ब्रेक लगाने के जैसे कम हो जाएगा, तो इसका मतलब A1 आगे चला जाएगा उस पर्सन से, तो इसका मतलब पर्सन के जो हैंड से वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है सर, नहीं समझा, देखिए फिर से सुनेंगे। देखिये हुआ क्या, एक पर्सन ने ऊपर से बॉल ड्रॉप की, तो यार पर्सन जिस कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है तो वो ट्रेन जिस एक्सेलरेशन से चल रही होगी उस पर्सन के पास भी वही एक्सेलरेशन होगा, डन। नीचे जो पर्सन बैठा हुआ है उसके पास भी वही एक्सेलरेशन होगा, डन। जब हमने ड्रॉप कर दिया तो ड्रॉप करने के बाद अब तो वो ट्रेन के कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो उसका जो भी एक्सेलरेशन रहा होगा वो अब चेंज होगा क्या, नहीं, फिक्स हो गया। बट ट्रेन ने लगा दिया ब्रेक, अगर ट्रेन ने ब्रेक लगाया तो वो पर्सन तो ट्रेन के साथ है ना, दूसरा पर्सन जिसके हैंड्स है तो वो तो स्लो हो गया है ना, क्योंकि ट्रेन ने ब्रेक लगाया और वो ट्रेन के साथ चल रहा है तो वो स्लो हो गया। बट ऊपर वाला पार्टिकल तो बहुत पहले छोड़ा था जिसके पास ज्यादा एक्सीलरेशन था, तो इसका मतलब पार्टिकल आगे निकल जाएगा, पर्सन पीछे रह जाएगा, इसका मतलब पर्सन के हाथ पीछे तरफ रह जाएंगे और वो पार्टिकल आगे आगे चला जाएगा। ठीक है, हाँ सर, पर वो ब्रेक लगाने के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम भी आगे जाएंगे ना, तो बॉल मतलब, हाँ ठीक है, इतना ब्रेक नहीं लगाया कि आप ये कंसीडर करो कि पर्सन भी थोड़ा सा आगे चला गया, पर्सन और बॉल में बहुत डिफरेंस है, तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा ही आगे जाओगे, मतलब इनर्शिया की वजह से तुम अभी भी ट्रेन के साथ स्टिक किए हुए हो, तो मे भी तुम्हारा बॉडी थोड़ा सा आगे जाएगा बट हो तो ट्रेन के साथ, लेकिन बॉल में तो काफी डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि बॉल तो कांटेक्ट में भी नहीं है, तो बॉल के पास जो पहले एक्सेलरेशन था वही रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 17 देख लेते हैं। ओके, सो 17 देखें यार कि हमें एक वेज रख के एक्सेलरेट कराया हुआ है, इतना एक्सेलरेट कराना है कि सूडो लग के वो गिरने ना पाए, बच जाए। तो हमने देखो इस फिगर में लगा दिया mg sin थीटा लगा दिया, mg cos थीटा लगा दिया और ma का सूडो लगा दिया।
फिर हमने सूडो के कंपोनेंट कर दिए, अगर थीटा बैलेंस करे तो ये थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा हो जा रहा है, मतलब क्या आएगा एम ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है एम ए साइन थीटा। अब हमें बैलेंस कर देना है कि यार एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एम जी एम ए कॉस थीटा, तो वहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई है जी साइन थीटा से, एक्सेलरेट करा दो तो काम बन जाएगा। क्वेश्चन में पूछा कि वेज द फोर्स बाई द वेज ऑन द ब्लॉक, तो बेटा वेज तो सिर्फ क्या फोर्स लगा रहा है नॉर्मल, अब नॉर्मल में दो लोग हो गए, एक तो एम जी साइन थीटा और एक एम ए साइन थीटा भी, सॉरी एक एम जी कॉस थीटा और एक एम ए साइन थीटा, और ए की वैल्यू हमने लिखी है टेन थीटा मतलब साइन बाई कॉस, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस। हमने एलसीएम ने कैसे सॉल्व किया तो आ गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस, अब हमें पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, तो ये क्या आ गया सिर्फ एम जी बाई कॉस थीटा आ गया, तो काफी सिंपल स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 18, यार आई वन आई टू का रेशियो पता है और आई मैक्स बाई आई मीन पूछा हुआ है, मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, अगर एम्पलीट्यूड दिया होता तो ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर करते, बट हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है आई, तो आई मतलब हमें फिर रूट आई करना पड़ेगा बिकॉज एम्पलीट्यूड इज रूट आई, तो हमें आई वन आई टू ले लिए, मान लो आई वन एक्स है तो आई टू क्या हो जाएगा फोर एक्स, तब रख दो एक्स और फोर एक्स तो रूट बाहर आएगा, तो फोर का बाहर क्या आएगा टू, सो वन प्लस टू अपॉन वन माइनस टू, सो थ्री बाई वन मतलब नाइन रेशियो वन आ जाएगा। ओके 19 नंबर, यार ये लास्ट टेस्ट में भी आया है बहुत सिमिलर क्वेश्चन, यार एक्सरेज जनरेट करनी है तो मुझे पता है कि ईवी इलेक्ट्रॉन से हम जो एक्सेलरेट कराएंगे वही आगे वेवलेंथ निकालने वाला है एक्सरेज की, तो लैम्डा क्या आ गया एच सी बाई वी, और ये मैंने बताया है कि डायरेक्टली आप याद रख लो कि क्या सिचुएशन हो जाएगी, एच सी बाई ई को लिख सकते हैं 12400 अपॉन वोल्टेज कितना है 40,000 किलो वोल्ट, सॉरी 40 किलो वोल्ट मतलब 40,000, वो वैल्यू रख दें तो लैम्डा की एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ जाती है। चले 20 की बात करें तो ये एन वन एन और एन थ्री कर लिया, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा दो यार बड़ा वाला, क्या एन थ्री बाई वी माइनस एन टू बाई यू, सॉरी एन वन बाई यू, और फिर ये एन टू माइनस एन वन बाई आर वन, एन टू माइनस एन वन बाई आर टू, इस तरीके से कर दो। अच्छा जो लेफ्ट में वन बाई वी और वन बाई यू होता है वो होता है फोकल लेंथ, तो अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, रेज डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है इसका मतलब ये क्या बन गया है कॉनकेव बन गया है, मतलब नेगेटिव हो गया है इसका फोकल लेंथ और सारी चीजें, तो अगर मैं बात करूं तो आर वन तो पॉजिटिव है, आर वन मतलब फर्स्ट सरफेस वो तो राइट साइड में उसकी रेडियस, बट आर टू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये कि ये जो नंबर है ना ये बड़ा होना चाहिए तभी तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब आर टू वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, बट मुझे पता है कि मैथमेटिकली आर वन और आर टू क्या है सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो n को इस तरफ ले आए तो बचा क्या n1 plus n2 is greater than 2n। अब इसमें सारे ऑप्शन सेट करके चेक कर ले तो ये ऑप्शन बहुत ही सिंपली बैठ जा रहा है कि अगर n1 को n रख दिया तो पक्का कंफर्म है n2 will be greater than n, ठीक है, तो ये सिंपली कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ डाउट है तो पूछ ले नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर बात करते हैं एक वायर में करंट के बारे में कि वायर में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि वायर अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड सिलेंडर की तरह काम करेगा, तो इनसाइड द वायर होता है प्रोपोर्शनल टू आर और आउटसाइड होता है वन बाई आर, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो वी इन और वी आउट में रेशियो क्या आ जाएगा आर वन अपॉन वन बाई लेट से आर टू है डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या आएगा आर वन इंटू आर टू, हमें किस पोजिशन पर पूछा है, हमें पूछा है ए बाई टू पर एंड टू ए पर, तो ए बाई टू और टू ए रखा सो टू टू कैंसिल, सो इन दोनों पॉइंट्स की बी का रेशियो क्या आ गया वन। फिर बात करते हैं, देखो यार ये होता है टेलीस्कोप का कितना छोटा सा क्वेश्चन है और मैंने बताया था कि टेलीस्कोप भी ज्यादा पूछ लिया जाता है, टेलीस्कोप का लेंथ वगैरह निकालना सब लोग याद रखो और अच्छे से करना लेंथ निकालना, ठीक है। खैर यहाँ पे सिंपल मैग्निफिकेशन पूछा है, मैं पता है टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन एफ नॉट अपॉन एफ ई करके होता है, तो वैल्यू रख दी हमने 20/5 आगे वैल्यू क्या 4। फिर रेडियो एक्टिव पूछा हुआ है कि यार 1/16 बचा हुआ है, तो हमें पता है कि 1/16 बचा हुआ है बट हमें पता है कि हर बार हाफ हाफ होना मतलब हाफ लाइफ यूज होना, तो इसका मतलब ये है कितने बार हाफ हुआ होगा, सो 1/2 to the power 4 मतलब इसने कितनी हाफ लाइफ कवर की है 4 हाफ लाइफ कवर की है इस पूरे टाइम में जितने में वो 1/16 हुआ है, तो इसका मतलब इसे जो टाइम लगा है वो लगा है 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ जो कि कितना दिन है जो कि है 6 डेज, तो इसका मतलब टी हाफ कितना है हाफ लाइफ कितना है 1.5 डेज है।
ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था यार, ये करंट में सेमीकंडक्टर्स का था, डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें बीटा चाहिए तो बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बाई वन माइनस अल्फा, अल्फा गिवन है हमने रख दिया, बीटा की वैल्यू आ गई 19। अब बीटा क्यों चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में बेस करंट गिवन थी और आईसी पूछा है, तो बेस करंट के लिए बीटा चाहिए ही होगा, तो हमने आईसी बाई आईबी वो होता है बीटा, उसको रख दिया, बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा आईसी के साथ, आईसी की वैल्यू कितनी आ गई 5.7 मल्टीप्लाई होके। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट 25 नंबर अगर बात करें तो इस एम जी साइन थीटा नीचे गिरा रहा है, एम जी साइन थीटा की वैल्यू सॉल्व करें तो आ रहा है 0.5 एम जी, बट मैं अगर फ्रिक्शन की बात करूं तो वो तो है म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा, तो इसका मतलब अगर मैं म्यू एम जी कॉस थीटा को सॉल्व करूं तो वो आ रहा है 0.6 एम जी, इसका मतलब ये कि बेटा फ्रिक्शन ज्यादा लग सकता है कंपेयर टू एम जी साइन थीटा, तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा लग सकता है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा क्या, नहीं, फ्रिक्शन तो सिर्फ लगेगा 0.5 एम जी जितना, बट अब अगर फ्रिक्शन लग गए एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए तो टी की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, तो टेंशन कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो यार ये समझ में आया ना यार सबको, इसके डिस्कशन में कुछ डाउट है क्या किसी को? नहीं है सर। नहीं है पक्का? ओके हाँ सर। ओके तो फिर अभी अपन स्टार्ट कर लेते हैं नया वाला मॉक टेस्ट 5 का, ठीक है। तो हाँ सर, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा, फिर हम ओपन कर लेते हैं मॉक टेस्ट 5 के बारे में। सत्या हाँ कितने ले?